हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहां पर दोस्तों अब जियो जो है वॉइस कॉल फ्री नहीं दे रहा। यहां पर जियो करने वाला दोस्तों चार्ज जो कि रहेंगे लगभग 6 पैसे पर मिनट यदि आप करते हैं किसी राइवल नेटवर्क के ऊपर कॉल और करते हैं वहां पे ढेर सारी बात है, तो यहां पे जियो करेगा दोस्तों चार्ज आपसे लेगा। मतलब कि जो फ्री कॉल है वो दोस्तों अब यहाँ पे बंद हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये सारी बातें पता चल चुकी होंगी। काफ़ी सारे वीडियोस भी इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपको हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस भी आपको इसके रिगार्डिंग मिले होंगे। बट दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्या है कंप्लीट रीजन इसके पीछे की, जियो ने ऐसा आखिर क्यों किया और सबसे काम की बात की अब हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जितने भी लोगों को नहीं पता है कि आखिर जियो जो पैसे चार्ज कर रहा है आखिर ये क्यों कर रहा है। दोस्तों, ये जो इसके पीछे रीजन है वो दोस्तों यहाँ पर IUC चार्जेस, मतलब कि दोस्तों इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस जो कि दोस्तों पे करना पड़ता है। और दोस्तों, ये किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर का जो रूल नहीं है दोस्तों, ये नियम है ट्राई के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके थ्रू दोस्तों ये जो रूल्स है ये इसके तहत ही आप जो ऑपरेटर है उनको चार्जेस पे करना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ चार्जेस कब पे करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप सेम ऑपरेटर के ऊपर कॉल करते हैं, मतलब कि यदि आपके पास जियो की सिम है और आप किसी अदर जियो के सिम पर, या फिर आपके पास वोडा है और आप किसी दूसरे वोडा की सिम पर कॉल करते हैं, देन यहां पे कोई भी IUC चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप करते हैं कॉल किसी नेटवर्क से अदर नेटवर्क के ऊपर, मतलब कि आप करते हैं जियो से कॉल एयरटेल वोडाफोन आइडिया के ऊपर, या फिर आप किसी एयरटेल या किसी सिम से करते हैं किसी अदर नेटवर्क के ऊपर कॉल, देन यहाँ पर दोस्तों IUC चार्जेस अप्लाई होता है, जो कि ट्राई के नियम के अनुसार यहाँ पे करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जिस भी ऑपरेटर से आप कॉल कर रहे हैं, सपोज आप जियो से कॉल कर रहे हैं, तो जियो को दोस्तों यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यदि आप जियो के थ्रू कर रहे हैं किसी अदर नेटवर्क के ऊपर, मान लो एयरटेल के ऊपर आप कॉल कर रहे हैं, तो जियो यहाँ पर दोस्तों पे करेगा एयरटेल को 6 पैसा पर मिनट। ये दोस्तों डायरेक्टली नहीं करते, ये ट्राई के थ्रू जाता है। मतलब ये जो पेमेंट किया थी ये किया थी ट्राई को, और ट्राई दोस्तों यहाँ पर जिस भी नेटवर्क पे ऊपर कॉल गया है उसको दोस्तों ये 6 पैसे पर मिनट दोस्तों यहाँ पे दे देती है। बट दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा रिसेंटली अचानक से क्यों हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली ट्राई के अनुसार कहा था कि 1 जनवरी 2020 से ये जो IUC चार्जेस हैं इनको दोस्तों कम्प्लीटली जीरो कर दिया जाएगा, मतलब इसके बाद कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा किसी भी ऑपरेटर से। बट दोस्तों, अब रिसेंटली अपडेट के अनुसार इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जियो है, जियो नया नया आया था, पहले उसने सोचा कि ठीक है यहाँ पर हम मार्केट में अपना जो है अपना पैर जमाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जियो ने क्या किया कि ठीक है 2020 तक का ये सब नुकसान रहेगा तो हम सह लेंगे, इतना तो हम पे कर सकते हैं जिससे हमारी मार्केट में वैल्यू बन जाएगी, और 2020 जब शुरू होगा तो ट्राई इस चीज़ को जो है IUC चार्जेस को हटाने वाला है। बट दोस्तों, ट्राई ने इस चीज़ को जो हटाने वाला था IUC चार्ज उसको कर दिया पोस्टपोन। अब दोस्तों, जियो बोल रहा है कि अब हम और ज़्यादा पे नहीं कर सकते, क्योंकि जियो ने रिसेंटली अपडेट के थ्रू बताया है कि यहाँ पर जियो अब तक 13,500 करोड़ रुपए दोस्तों पे कर चुका है IUC चार्जेस अदर नेटवर्क को। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर जियो को इतना ज़्यादा पे क्यों करना पड़ा। दोस्तों, इसके पीछे रीजन है कि एक्चुअली कि यदि हम बात करते हैं किसी ऑपरेटर की, दोस्तों वहाँ पर क्या करते हैं कि अदर ऑपरेटर वाले कई बार मिस्ड कॉल करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दोस्तों इंडिया में बात करें जो गाँव तरफ जाते हैं तो बहुत सारे नेटवर्क हैं वहाँ पर 4G नहीं है, वहाँ पर अभी भी 2G और 3G चल रहा है, जिसका चार्जेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और वो फ्री भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों को पता है कि जियो तो फ्री है, तो वो करते हैं जियो के ऊपर कॉल, मतलब मिस कॉल करते हैं, और जियो के थ्रू जो भी बंदा रहेगा वो उनको कॉल रिटर्न कर देता है, क्योंकि जियो कम्प्लीटली फ्री है। तो जियो का कहना है कि डेली बेसिस पे उनके पास लगभग 20 से 30 करोड़ जो है मिस्ड कॉल आते हैं, जिन पे कॉल रिटर्न किए जाते हैं, और दोस्तों जो IUC चार्ज है उनको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है दोस्तों। और ट्राई ने बोल ही दिया कि IUC चार्ज अभी जो भी उनका डिसीजन है वो अभी पोस्टपोन हो गया है। तो जियो बोलता है कि नहीं, अब हम और अपनी जेब से पे नहीं कर सकते हैं, अब जो भी IUC चार्जेस है वो कस्टमर को देने पड़ेंगे, जो कि 6 पैसे पर मिनट, पहले ज़्यादा भी था, लगभग 14 पैसे पर मिनट था, बट ट्राई ने इसको कम कर दिया है, 6 पैसे पर मिनट कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर
जियो ने ये तो शुरू कर ही दिया चार्ज लेना, बट इसके अलावा दोस्तों जियो ने कुछ अपने प्लान्स भी लेके आए हैं जो आयुषी मिनट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं विथ डेटा के साथ भी। डेटा तो कम्प्लीटली फ्री है जो कि दोस्तों आप कर सकते हैं। सपोज आप कोई मंथली रिचार्ज करते हैं या 3 महीने का रिचार्ज करते हैं, उसके साथ आप ये रिचार्जेस भी कर सकते हैं। 10-20 रुपये के ये मतलब अलग अलग रिचार्ज हैं, उनको भी आप चेक करके रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको आयुषी मिनट्स मिल जाएंगे अदर ऑपरेटर्स के लिए। बट दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि बाकी नेटवर्क ऑपरेटर क्या करेंगे। दोस्तों बाकी नेटवर्क ऑपरेटर का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जियो ने आयुषी चार्ज लेना शुरू कर दिया, तो हो सकता है बाकी नेटवर्क्स भी आयुषी चार्ज लेना आगे चल के शुरू कर सकते हैं। बट दोस्तों देखते हैं कि आगे होता क्या है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब हमको क्या करना चाहिए। आयुषी चार्जेस अब तो लेगा जियो, तो हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। दोस्तों हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मेल कर सकते हैं ट्राई को, जिससे कि ट्राई को कहा जाए कि आप ये आयुषी चार्जेस हैं इनको रिमूव कर दीजिए। यदि जियो ने यदि ट्राई ने इनको रिमूव कर दिया, तो जियो भी जो 6 पैसे पर मिनट ले रहा है ये भी लेना बंद कर देगा। दोस्तों अब सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो कॉल करते हैं वो सेम नेटवर्क पर करें। जैसे कि आपको पता बहुत से लोगों के पास जियो है, तो जियो टू जियो कॉल करते हैं, आपको कोई आयुषी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। या फिर आप एयरटेल टू एयरटेल करें, तो एयरटेल तो फिलहाल अभी आयुषी चार्ज नहीं ले रहा है, मान लो भविष्य में लेता है, देन एयरटेल टू एयरटेल कोई चार्जेस नहीं। और दोस्तों तीसरा भी हम बात करें, तो यहाँ पर तीसरा हमारे पर ऑप्शन आता है, क्योंकि डेटा तो हमारे पास बहुत सारा और फ्री है, तो क्यों ना दोस्तों हम वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करें थ्रू डेटा। मतलब इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं, वॉइस कॉल हो चाहे आप वीडियो कॉल हो, तो वो भी दोस्तों आपको फ्री पड़ेगा। और चौथा दोस्तों ये है कि आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल आयुषी चार्ज सिर्फ जियो ले रहा है, बाकी ऑपरेटर नहीं ले रहे हैं, तो आप पोर्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जियो ने आयुषी चार्ज लेना शुरू किया है, तो हो सकता है बाकी नेटवर्क भी बहुत ही जल्द आयुषी चार्ज लेना शुरू कर दें। दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको कंप्लीट इसके पीछे क्या है रीजन और क्या क्या आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, फिर इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलो। साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस सारे बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।